मुंबई में ये चीज़ कॉमन है लड़कियों का रिक्शा चलाना। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ बेसिकली कि मुंबई की गर्ल्स का लाइफ कैसा होता है, कितना स्ट्रगल करती है, कितने पैसे कमाती है, और इक्विवेलेंट टू बॉयज़ का इनका स्ट्रगल होता है। या तो आप बस में जाओ या ट्रेन में जाओ या ऑफिस में जाओ, यहाँ पर हर जगह आप देखोगे लड़कियाँ बराबर है। मतलब उनका जो हिस्सेदारी है समाज में, सोसाइटी में, वो इक्विवेलेंट है बॉयज़ का। तो इस ब्लॉग में बने रहो, मैं दिखाता हूँ जितना हो सके, इंशाल्लाह मज़ा आने वाला है। तो अभी मैं हूँ फिलहाल अंधेरी स्टेशन में, और ये जो लाइन आपको दिख रही है ये लोग वेट कर रहे हैं अपने बस का, जहाँ इनको जाना है, जहाँ इनका डेस्टिनेशन है, जहाँ इनकी जॉब है वहाँ पे इनको जाना है अभी। और ये मॉर्निंग टाइम है तो लोग कितनी लंबी लाइनें लगाते हैं। जनरली मुंबई में टोटल पॉपुलेशन मुंबई का 2 करोड़ है, जिसमें से सिर्फ 4 लाख पॉपुलेशन है अंधेरी का ही। यार ये देखो, ये रेलवे स्टेशन का रास्ता है, यहाँ से लोग निकल रहे हैं अभी। और वो जो ब्रिज दिख रही है ना आपको, वो है मेट्रो का, मेट्रो के लिए। अभी मैं उधर ही जाऊँगा, मेट्रो ही जाऊँगा मैं फ़िलहाल। लेकिन आप देखो यहाँ पे लड़कियाँ कितनी ज़्यादा है लाइनों में, मतलब जितने बॉयज़ है उतनी लड़कियाँ भी हैं यहाँ पे। ये मेट्रो स्टेशन में आ गया हूँ अभी फ़िलहाल, टिकट लेता हूँ जाकर सबसे पहले। ये देखो लाइन लगी हुई है टिकट लेने के लिए, जल्दी जाता हूँ अंदर और अभी अंदर जा कर के लूँगा मेट्रो। मेट्रो से मैं एग्जिट कर चुका हूँ अभी, ये प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पे देखो लोग कितनी जल्दी जल्दी चल रहे हैं। मुंबई में क्या है कि लोग उतरते के साथ ही दौड़ना शुरू कर देते हैं, या तो दूसरी ट्रेन पकड़ने के लिए या तो फिर बस पकड़ने के लिए। यहाँ धीरे धीरे चलना अलाउ नहीं है भाई, तुम खुद सीख जाओ कितनी तेज़ चलना है यहाँ पर। 1-2 दिन ही धीरे चलोगे फिर तेज़ चलना शुरू कर दोगे। तो मैं एग्ज़िट कर रहा हूँ फ़िलहाल और लोग एंट्री कर रहे हैं, इधर आप देख सकते हो वीडियो में। तो गाइस ये था अभी सुबह का नज़ारा, जहाँ पे आप देखे होंगे कि गर्ल्स लोग कैसे जाती है बाहर जॉब करने के लिए। यहाँ पे मुंबई में जॉब बहुत है यार, और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एजुकेशन और जॉब दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक गर्ल्स को पावरफुल बनाता है मार्केट में, वो बाहर निकल सकती है आसानी से, ईजिली लोगों के साथ बैठ सकती है, उठ सकती है। और जब आप छोटे शहरों से कंपेयर करते हो तो वहाँ जॉब नहीं है, एजुकेशन भी उतना खास नहीं है। और मुंबई में ये दो चीज़ ईजिली अवेलेबल है, एजुकेशन तो है ही, लड़कियाँ यहाँ ग्रेजुएट होती है तो आपको जॉब मिल जाता है, गर्ल्स हो या बॉयज़ हो। ग्रेजुएशन के बाद आपको 12-15 हज़ार, 16 हज़ार, 20 हज़ार तक का नौकरी मिल जाता है, इतना काफ़ी है यार अपना लाइफ चलाने के लिए। फिर वक्त के साथ इनका इंक्रीमेंट होता है सैलरी में, बट क्या है कि अगर मैं बात करूँ डेवलपमेंट का, ओवरऑल डेवलपमेंट का, तो भाई उसके लिए तो चाहिए चाहिए जॉब। और यहाँ पर हर जगह आपको मिलेगा लड़की। जैसे मैं खुद को बता देता हूँ, जिस कंपनी में जॉब करता हूँ, जहाँ पर मेरी मैनेजर वो गर्ल है, तो एक अलग ही रिस्पेक्ट होता है। अगर पढ़ेगी नहीं तो आगे बढ़ेगी कैसे। मेरे एक दोस्त है, अभी वो यूरोप में जॉब करती है, तो भाई तुम पढ़ो, पढ़ोगे लिखोगे नौकरी करोगे तो तुम्हारा इज्जत बढ़ेगा, समाज में लोग जानेंगे। और इट्स गुड टू स्टडी, गुड टू वर्क, पढ़ोगी नहीं तो फिर कोई इज्जत नहीं है मार्केट में। और ये सच्चाई है, चाहे गर्ल्स हो या बॉयज़, पढ़ना ज़रूरी है और जॉब करना भी ज़रूरी है। चाहे तुम 4 हज़ार का नौकरी करो या 40 हज़ार का या फिर 4 लाख का, लेकिन नौकरी करो यार, काम करो, ऐसे बैठ के वक्त मत बर्बाद करो। यहाँ पे गर्ल्स का इन्वॉल्वमेंट इतना ज़्यादा है ना हर चीज़ों में, कि आपको आप लड़कियों को यहाँ आप कभी भी देख सकते हो। रात 2 बजे भी लड़की आपको दिख जाएगी बाहर, सुबह में दिख जाएगी। और शहरों की तरह नहीं यहाँ पे कि 8 बजे या तुम बाहर नहीं जा सकती हो, तो यहाँ पे वो चीज़ है यार। यहाँ पे लड़की लोग अपने आप को इवॉल्व भी बहुत तेज़ी से किए, और मार्केट का हेल्प भी मिला है, सोसाइटी का हेल्प मिला है। सबसे बड़ी बात है जॉब और एजुकेशन, मेरे लिए तो बहुत ज़रूरी चीज़ है किसी भी चीज़ को अच्छा बनाने के लिए। चाहे वो एजुकेशन फॉर बॉयज़ ऑल्सो इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड गर्ल्स टू। तो ये था फिलहाल सुबह के टाइम का, मैं शाम के टाइम में आपको दिखाऊंगा ट्रेन में स्ट्रगल, जो दिखेगा वो मैं दिखाऊंगा, वीडियो में बने रहो ठीक है। निकलूंगा मैं जब ऑफिस से अपने, तब मैं दिखाऊंगा आपको शाम का। तो गाइस अभी मैं निकल गया हूँ बाहर ऑफिस से, अभी मैं जा रहा हूँ घर। तो अब मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको ट्रेन वाला व्यू ठीक है, कि लोग ट्रेन में कैसे स्ट्रगल करते हैं बस के लिए। तो ये प्लेटफॉर्म के अंदर का नज़ारा, अभी देखो यहाँ पे लोग खड़े हैं अपनी ट्रेनों के लिए। इधर देखना भाई, जिधर जितनी लड़कियाँ हैं ना उतने लड़के भी यहाँ पे मिलेंगे आपको। इधर देखो लड़की लोग खड़ी है ना, तो इतने लड़के भी यहाँ रहते हैं। अरे अभी जैसे ट्रेन आएगी ना, जब ट्रेन आती है यहाँ पर, तो कोई किसी को नहीं पहचानेगा,
धक्का मुक्की करके सबको अंदर जाना है। जब ट्रेन आएगी तो वो देखना अभी आप। देखो ट्रेन आ गई, चलो अब देखो यहाँ पे धक्का मुक्की स्टार्ट हो गया। ये सिचुएशन है इधर। अब मैं निकलता हूँ इधर से, ये मैं दिखा दूँ आपको। अभी मैं जा रहा हूँ बाहर रेलवे स्टेशन से। तो भाई अभी हो गया ऑलमोस्ट शाम, ठीक है, मैं रेलवे स्टेशन से बाहर आ गया हूँ। अभी मैं दिखाता हूँ बस का नज़ारा, ठीक है। तो शाम में कितनी भीड़ होती है बस के लिए, लाइन ऑलमोस्ट लग चुकी है। ये देखो ये लाइनें लग चुकी है अभी वापसी जाने के लिए, तो यहाँ पे भी लाइन लगाना पड़ता है जाने के लिए। और ये देखो यहाँ पे स्टॉपेज है जहाँ पे मुझे खड़ा होना है, और लाइन बनाकर ही खड़ा होना है। ऐसे नहीं कि लाइन नहीं बना और तुम चढ़ जाओ, लोग चढ़ने नहीं देंगे भाई, खींच के उतार देते हैं नीचे। बस आ गई है मेरी, अभी अंदर जा रहा हूँ। इधर लेडीज है, तो गाइस ये था मेरा आज का दिन भर का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा हो। मैंने इस व्लॉग में दिखाया द कंडीशंस ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन मुंबई, उनका लाइफ कैसा होता है। वीडियो को एंड करने का टाइम हो गया है, मैं पहुंच गया हूँ घर। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्यार बांटिए, पीस आउट।